उनकी इतनी सडन डिमाइज की खबर सामने आई, अचानक से उनको कार्डियक अरेस्ट की खबर सामने आई, आप उसको लेकर अगर कुछ अपने तरफ से व्यक्त कर सके। मैं बहुत शॉक्ड हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी गॉन टू सून। बहुत ही अच्छे इंसान थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हम लोग ने मस्ती भी बहुत मारी थी। सो आई थिंक या ही वाज अ ग्रेट गाय एंड इट्स जस्ट वेरी शॉकिंग एंड सैड। अच्छा, उनको जिस तरह से अभी अचानक से हार्ट अटैक की बात सामने आई, क्या आपको कभी ऐसा लगा था पहले भी कि उनको कोई इश्यूज है, कोई हेल्थ इश्यूज है? क्या लगा था? हेल्थ इश्यूज रिलेटेड आपको कभी लगा था उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, या उन्हें कभी इस तरह की दिक्कतें पहले भी है? कभी आपको लगी थी ऐसा कि उन्हें कोई एंजाइटी या कुछ कभी होता था? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगा था, मतलब हॉस्पिटल रहते थे वो, ऐसा कभी फील तो हुआ नहीं, ऐसा फील कहाँ से होगा। एंड ये सब होना थोड़ा मेरे लिए भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आई कांट बिलीव व्हाट हिज फैमिली मस्ट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ, एंड मे गॉड गिव स्ट्रेंथ एंड माय कंडोलेंसेस टू द फैमिली। आप क्या उनके मदर और सिस्टर? घर नहीं, घर तो मैं इतनी क्लोज फ्रेंड तो नहीं थी, मतलब बिग बॉस में जो हमारा था, मतलब हम लोग एज अ टू एक्टर थे जो भी थे, बट I don't think so. घर जाने की हिम्मत होगी मेरी। ओके, उनकी मॉम को लेकर क्या कहेंगी आप? क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने मॉम से सबसे ज्यादा क्लोज थे, और इस समय उनकी मॉम के लिए एक बहुत ही बड़ा, मतलब मैं कह सकती हूँ, लॉस है। मधुमा, यस, मैंने जैसे कि पहले कहा कि हम लोग, मैं, मेरी मदर, हमारी फैमिली इतने शॉक में है, तो उनकी मम्मी पे तो क्या ही बीत रही होगी। सो आई होप कि वो भगवान ने शक्ति दे कि इस दौर से वो निकल सके, एंड बस यही कहूंगी, प्रेयर्स टू द एंटायर फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।